एक्टर अक्षय कुमार से कॉमेडियन मलिका दुआ का चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले विवाद में मलिका दुआ के पिता और वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ कूद पड़े थे। अब पूरे मामले में एक ट्रेस से राइटर बनी ट्विंकल खन्ना ने अपने पति अक्षय कुमार का बचाव किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, दला पिचा लेंचो में एक घंटी है जिसे जजेस कंटेस्टेंट की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए बजाते हैं। ऐसे में जब मिस दुआ घंटी बजाने वाली थी तब मिस्टर कुमार ने कहा, मलिका जी आप घंटी बजाओ, मैं आपको बजाता हूँ। ये एक ऐसी कहावत है जिसे पुरुष और महिलाएं सभी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण देते हुए ट्विंकल लिखती हैं, मैं तुम्हारी बजा दूंगा या मेरी बज गई। ऐसे वाक्य लगातार इस्तेमाल होते हैं। रेड एफएम की टैग लाइन बजाते रहो है मिस्टर दुआ। मिस दुआ के पिता ने एक पोस्ट में लिखा जो कि अब डिलीट की जा चुकी है, मैं इस बेवकूफ अक्षय कुमार को सबक सिखा दूंगा। क्या मिस्टर दुआ के शब्दों को ज्यों का त्यों मान लेना चाहिए या इसका संदर्भ निकालना चाहिए? आखिर में ट्विंकल खन्ना लिखाती हैं, शब्द खास तौर पर जो हास्य के रूप में इस्तेमाल किए गए हों उसे मजाक में लेना चाहिए। मैंने हमेशा से ही कॉमेडी की आजादी पर जोर दिया है। दरअसल पूरी घटना मलिका की टीम के कंटेस्टेंट श्याम रंगीला के एक्ट के बाद होने वाले कमेंट के दौरान शुरू हुई थी। श्याम रंगीला नामक कंटेस्टेंट ने पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की। अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अक्षय ने घंटी बजाने के लिए मलिका दुआ को ऊपर स्टेज पर बुलाया। उसी दौरान अक्षय ने मलिका से ये बात कही थी, जिसके बाद मलिका के पिता और पत्रकार विनोद दुआ ने अक्षय कुमार के खिलाफ फेसबुक में एक पोस्ट लिखा था जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। उसके बाद मलिका दुआ ने भी अपने ब्लॉग में शो से निकाले जाने और उसके बाद अक्षय के ऐसे कमेंट का दर्द अपने ब्लॉग पर उड़ेला था।